केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। सरधना विधायक अतुल प्रधान ने आज मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पर धरना दिया। विधायक फर्श पर ही बैठ गए। विधायक का कहना है कि बड़ी मुश्किल से टाइम देकर भी चीफ कंजर्वेटर उनसे नहीं मिले, बल्कि बात करते करते उन्होंने का फोन भी काट दिया गया। यह विधायक के अधिकारों की अवहेलना है। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया के निर्देश हैं कि जनप्रतिनिधियों की वाजिब बात को सुनकर उसका निस्तारण किया जाए, वहीं ऐसे नौकरशाह भी हैं जो व्यवस्था को ताक पर रखने का काम कर रहे हैं। इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। दरअसल सरधना विधायक कांवड़ मार्ग पर बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने का विरोध करते हुए मुख्य वन संरक्षक से वार्ता के लिए समय लेकर कार्यालय पहुंचे थे। विधायक का यह भी कहना है कि एक तरफ पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने का ढोंग किया जा रहा है, वहीं कांवड़ मार्ग पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब देने से मुख्य वन संरक्षक बच क्यों रहे हैं? इस दौरान अफसरशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए गए। देखिए, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पर फर्श पर ही सांकेतिक रूप से धरना देते हुए विधायक अतुल प्रधान ने यह कहा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी एक जनता का चुनाव प्रतिनिधि हूँ, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ कि किस तरीके से बात करनी, किस तरीके से काम को कहना है। मैंने परसों इनको फोन लगाया तो कई घंटे के बाद इन्होंने फोन उठाया। मैंने अपना परिचय दिया, परिचय देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको संज्ञान लेता हूँ। मैंने कहा मुझे आपसे मुलाकात करनी है, तो मुलाकात का समय आप हमें दे दीजिए। तो उसी वार्ता के क्रम में इन्होंने आज का समय हमें दिया था कि आज 3 तारीख को मुलाकात होगी। तो उसके बाद में मैंने आज जब यहाँ पर आया तो ये नजारा दिए, फिर मैंने फोन किया तो फोन नहीं उठा। पहले स्विच ऑफ था, फिर फोन बिजी आ रहा था, फिर फोन नहीं मिल पा रहा था, फिर फोन जब उठा तो उनका जो लहजा था वो पूरे के पूरे लोकतंत्र में एक काला अध्याय। ये ऐसा लगता है कि माने मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की वाजिब बात को सुनिए और उसका संज्ञान लीजिए, उसका निस्तारण करिए, और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी पूरे के पूरे सिस्टम पर कलंक की तरह हैं, जो एक चुने हुए प्रतिनिधि से इस तरह का व्यवहार इनका अगर है तो सोचिए जो आम जन होते होंगे, किसी की परेशानी दिक्कत होती होगी तो उनके साथ इनका व्यवहार कैसा होता होगा। फिर मैं अपने पर्सनल इशू पर नहीं आया, मैं इनसे कोई ये काम कहने नहीं आया कि आप मेरा पर्सनल मदद कर दीजिए। मैं एक जनता से जुड़े हुए विषय पर, जिस पर एनजीटी ने संज्ञान ले रखा है, हजारों हजार पेड़ कटे हैं, उस विषय को लेकर, इनके डीएफओ की शिकायत लेकर, जो इलाके में हमारे गंग नहर की पटरी पर जो हजारों हजार पेड़ कटे हैं, एक तरफ झूठा दिखावा करते ये लोग घूमते हैं कि पेड़ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ 100-100 साल पुराने वाले पेड़ कटवा देते हैं। हम उन आरोपों को लेकर आज कमिश्नर महोदय से मिले थे, आज यहाँ कंजर्वेटर के ऑफिस पर आए, ये इनके जानू, तब इनसे फोन पर वार्ता की तो उन्होंने वार्ता बात करते करते फोन काट दिया और ये भी कहा कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। तो मैं आज इसलिए यहाँ पर सांकेतिक रूप से बैठा कि कम से कम सरकार को ये व्यवस्था दिखाई दे कि इनके अधिकारी किस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ करते हैं। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी कहना चाहता हूं कि वो समझे जाने ऐसे लोगों को, जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसका निर्वाह नहीं करते, बल्कि ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहते। जब एक चुनाव प्रतिनिधि, चुनाव विधायक एक वार्ता के क्रम में समय मांगता है तो एक ऐसा अधिकारी जो लोकतंत्र को ताक पर रखता है, संविधान को मिटाने पर ये लोग आतुर हैं, मैं निश्चित रूप से इनकी उस कथन को सदन में लेकर जाऊंगा,
और इनको सदन में लाने का काम करूंगा। मैं अभी अपने विधानसभा अध्यक्ष जी को भी शिकायत करूंगा और लिखित में इनकी शिकायत करने का काम करूंगा। विधायक जी, आखिर वजह क्या है जो आपसे अधिकारी बस्ते कर रहे हैं कि माफियाओं से गठजोड़ कर रखा है? देखिए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मान लिया किसी चीज की जानकारी नहीं तो कुछ अनजाने में चीज हो गई, लेकिन 2.5 महीने से लगातार पेड़ कट रहे हैं और एक जन चुनावा जनप्रतिनिधि उसकी शिकायत कर रहा है, और शिकायत को सुनने के बजाय ये लोग लीपा पोती करने के लायक बचने के लायक बच्चे घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे आपके माध्यम से कि ऐसे क्यों बच्चे आप घूम रहे हो? जब आपने आज का समय दिया था तो फोन पर सूचना देते, कोई गंभीर दिक्कत थी, परेशानी थी, आपको कहीं जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी, बल्कि मैंने फोन पर बात की तो फोन पर बात करते हुए उन्होंने समय देने से मना कर दिया। ये निश्चित रूप से विधायक की अधिकारों की अवहेलना है। मैं इसको सदन में लेकर जाऊंगा और निश्चित रूप से इनको सदन में खींचने का काम करूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।